हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ तैयारियाँ हो रही हैं। तैयारियाँ जो है पकौड़ी बनाने की हो रही है। ये देखिए, यहाँ पे प्याज बेसन के साथ मैश करके रखा हुआ है। ये प्याज की पकौड़ी के लिए है और ये बेसन का पेस्ट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लौकी, आलू, टमाटर और ये हरी मिर्ची की पकौड़ी बनेगी। और हम आपको बता दें इसमें क्या क्या मिला हुआ है। ये बेसन है, इसमें जो है मसाला, गरम मसाला, नमक, हल्दी, और अगर आपके पास चावल का आटा हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चावल का आटा ऐड करने से जो पकौड़ियाँ बहुत कुरकुरी बनती हैं। और इसके बाद आप ये आलू, प्याज, टमाटर को बारीक बारीक पतला पतला काट सकते हैं, चॉपर से भी काट सकते हैं, और आप ये अगर नहीं है तो फिर चाकू से भी काट सकते हैं। और ये मिर्ची है, मिर्ची को हम लोग उसमें इस पेस्ट में ऐड नहीं किए हैं। ये मिर्ची की अलग से पकौड़ी बनाएंगे। जो आप पकौड़ी के साथ लौकी और आलू और प्याज की पकौड़ी के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये सारे सामान तैयार हैं पकौड़ी बनने के लिए। अब अभी पकौड़ी बनाने की तैयारी हो गई है फिलहाल। अब हम पकौड़ी बनाएंगे, देखने में आपको काफ़ी टेस्टी लग रहा होगा। अब क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा तामझाम करके नहीं बना सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं होता, लेकिन इतना भी है, कभी कभी हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, तो पहले आपने देखा यहाँ पे सारा सामग्री जो है, सामान जो है, सारे तैयार हो चुके हैं पकौड़ी के लिए। जैसा कि हम आपको पहला ही दिखा चुके थे पहले वीडियो में, तो ये देखिए सब तैयार है। और ये पेस्ट है, थोड़ा गाढ़ा ही बनाइएगा। ये देखिए कढ़ाई हमने रख दिया है गैस पे, और ये रिफाइंड ऑयल है। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तुरंत, तो आप सरसों के तेल में भी, मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। और ये जो है ऑयल को खूब गर्म कर लीजिए, ताकि कढ़ाई में पकौड़ी चिपके ना। अब ये देखिए गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये पकौड़ी को देखिए, ये लौकी है, इसको उसमें डिप किया पेस्ट में। फिर ये आलू है, आलू को डिप किया, इसको डाला। ऐसे ही आप वन बाय वन करते जाइए, फ्लेम को जो है स्लो कर दीजिए गैस के, वन बाय वन डालते जाइए। इसके साथ फिर आप देखिए हरी मिर्च जो हमने धुल के ऐसे रखा था, इसको आप डिप करिए बेसन के पेस्ट में, और ये ऐसे इसको भी कर लीजिए। बाद में जब आप इसको पकौड़ी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये देखिए फटाफट बनने वाली पकौड़ी है ये, जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। ये टमाटर है, टमाटर को भी इसमें ऐड करिए। अब इसको जो है स्लो फ्लेम पे गैस के पक जाने दीजिए एक तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ जो पकौड़ी हो गया है, अब हम इसको पलट देंगे बहुत ही धीरे से। ये देखिए एक तरफ पूरी तरह से पकौड़ी हो चुका है, अब इसको हमने पलट दिया है। अभी भी आप धीरे धीरे पका लीजिए। ये देखिए एक तरफ पूरी तरह से हो गया पकौड़ी। ये देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आलू और मिर्चे और लौकी की पकौड़ी हो गया, इसको हम बाहर निकाल लिए हैं। अब देखिए हम ये प्याज की पकौड़ी इसमें कढ़ाई में डालेंगे। आप देख रहे होंगे छोटी सी कढ़ाई है, हम लोग का स्टूडेंट है इसलिए छोटा कढ़ाई है। थोड़ा थोड़ा लेके आप इसको, तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है, अब हम तेल डाल रहे हैं इसमें। अरे पकौड़ी डाल रहे हैं, सॉरी, तेल में पकौड़ी डाल रहे हैं। स्लो फ्लेम कर लीजिए क्योंकि जल जाएगा। ये पकौड़ी देखिए बन चुका है, ये हम लोग स्टूडेंट लोगों के लिए पकौड़ी है, फटाफट बनाने वाला, क्योंकि घर के जितना काम झाम तो नहीं हो पाएगा, फिर भी घर का टेस्ट आ जाता है। ये देखिए प्याज है, प्याज को बारीक बारीक कटा हुआ था, आपको दिखाई दिए थे पहले हम। इसमें बेसन, हल्दी, हल्का सा नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर लीजिए। अब ये जब एक तरफ हो जाएगा तो हम इसको उसी तरफ पलटेंगे, जैसे हमने आलू और लौकी की पकौड़ी को पलटा था।
ये देखिए एक तरफ हो गया हल्का हल्का। अच्छे से हो जाएगा, समझ लीजिए पकौड़ी आपके तैयार हो गई। ये देखिए हो रहा है धीरे धीरे, काफी टेस्टी लग रहा है देखने में। अभी इतने पकौड़ी बचे हुए हैं, अब इसको चाय के साथ फिर आप चाय बना लीजिए बढ़िया सा, उसके साथ आपका बढ़िया नाश्ता हो जाएगा तैयार फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। स्टूडेंट के लिए है फिलहाल, क्योंकि तो घर पे तो बहुत ताम झाम रहता है, ये हम लोग फटाफट अपना बना लेते हैं। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ पकौड़ी पलटने के बाद प्याज वाली पकौड़ी और ये हो गई है। अब हम इसको निकाल ले रहे हैं, बहुत ही कुरकुरी पकौड़ी लग रही है, क्योंकि मैं हमने बताया था आपसे ऑलरेडी कि अगर आप इसमें चावल का आटा डाल देंगे पिसा हुआ तो पकौड़ी काफी कुरकुरी बनती है। ये हमारे यूपी में ऐसे ही चलता है, बेसन में मिला देते हैं चावल का आटा थोड़ा सा, कोई भी पकौड़ी बना ली। ये देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। अब आप जो है चाय के साथ इसको खा सकते हैं, बढ़िया नाश्ता हो गया है। इसके साथ आप हरी मिर्ची देख रहे हैं, हरी मिर्ची के साथ खाइए, चटनी नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा अच्छे से। चलिए ठीक है, ये पकौड़ी तैयार हो गया और आपको हमारा रेसिपी फटाफट कैसा लगा स्टूडेंट के स्टाइल में, और अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। और ये हमारा पहला ब्लॉग है, तो अगर कहीं कोई गलती हुई है तो सॉरी, क्योंकि तो हमारा पहला ब्लॉग है और हम लोग पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ें थोड़ा सा खाली टाइम में मस्ती के लिए कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आया होगा और ये ब्लॉग, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।